शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने के लिए प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करे कलेक्टर प्रतिभा पाल। नमस्कार, मैं मनीष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने SDM तथा पुलिस अधिकारियों को आतंक अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों पर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए जाने तथा निर्वाचन शांतिपूर्ण संपर्क कराने के लिए अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें। सभी थाना प्रभारी निगरानी तथा बदमाशों तथा आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को सूची बनाने एवं विरुद्ध 8 सितंबर से 10 सितंबर तक अभियान चलाकर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें। सभी SDM तथा SDOP अपने अपने विभाग के अनुसार शिविर के संबंध एवं समस्त तैयारियां सुनिश्चित करें। गत विधानसभा चुनाव तथा लोकसभा चुनाव में निर्वाचन संबंधी अपराधियों की लिप्त व्यक्तियों तथा आतंक अपराधियों पर कार्रवाई करें। न्यायालय से जारी वारंटों की 100% तामली कराएं। फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए विशेष प्रयास करें। सभी कार्यपाल दंडाधिकारी प्रतिबंधात्मक आदेशों में सुनवाई एवं करके बाउंड ओवर की कार्रवाई कराएं। बिना समुचित कारण के किसी भी आवेदक के 2 से 3 दिन से अधिक समय की पेशी न दें। राजस्व और पुलिस अधिकारी ने पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए दल प्रक्रिया सहित के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें। वर्तमान में निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत स्पेशल समरी रिवीजन का प्रावधान किया गया है, और स्पेशल समरी रिवीजन का मतलब होता है कि चुनावी वर्ष में समय ये तय किया गया है, ड्राफ्ट पब्लिक ई रोल जो है उसका ड्राफ्ट